दीपावली की तर्ज पर मिल्क फेडरेशन की ओर से छोटी काशी मंडी में शेरी मंच के समीप एक स्टॉल लगाया गया। स्टॉल में मकर संक्रांति व लोहड़ी पर्व से संबंधित सभी प्रकार की मिठाइयां फेडरेशन की ओर से मुहैया करवाई गईं। पिछले काफी अरसे से मंडी शहर में शेरी मंच के साथ मिल्क फेडरेशन की ओर से दीपावली के पर्व पर देसी घी की मिठाइयों का स्टॉल स्थापित किया गया था, मगर इस बार मिल्क फेडरेशन ने लोहड़ी व मकर संक्रांति पर भी अपना स्टॉल स्थापित किया है, जिसमें त्योहार से संबंधित गचक, रेवड़ी, सोन पापड़ी सहित सभी प्रकार की मिठाइयां उपलब्ध हैं। मिल्क फेडरेशन फील्ड ऑफिसर चंद्रशेखर वैद्य ने मंडी वासियों से इस स्टॉल से लोहड़ी पर मिठाई खरीदने की अपील भी की। साथ ही उन्होंने मंडी वासियों को मकर संक्रांति व लोहड़ी पर्व की फेडरेशन की तरफ से बधाइयां भी दी। उन्होंने कहा कि मिल्क फेडरेशन ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को फेडरेशन के चेयरमैन निहाल सिंह शर्मा के मार्गदर्शन में मंडी वासियों के लिए इस स्टॉल को लगाया है, ताकि आम जनता को शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयां मिल सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिल्क फेडरेशन ने हर बार दीपावली के शुभ अवसर पर हिमाचल प्रदेश के निवासियों के लिए स्वादिष्ट देसी घी की मिठाइयां लेके आती है। वैसे ही हिमाचल सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के दिशा निर्देशानुसार और मिल्क फेडरेशन के हमारे माननीय अध्यक्ष न्यायचंद शर्मा जी के अथक प्रयासों से इस बार पुनः इस लोहड़ी के शुभ अवसर पर, संक्रांति के शुभ अवसर पर मंडी शहरवासियों के लिए स्टॉल लगाया गया है, ताकि वो यहाँ पे आके जो गुड़ और तिल का ये मौसम होता है सर्दियों का, उससे बनी हुई गचके, रेवड़िए, तिल भोगा और इसके साथ मंडी जनता की पुरजोर मांग के ऊपर पुनः पंजीरी लाई गई है, सोन पापड़ी लाई गई है और गुलाब जामुन के डिब्बे भी यहाँ पे रखे गए हैं, ताकि आम जनता को वो हर प्रकार से शुद्ध और स्वादिष्ट मिठाइयाँ और गुड़ से बनी हुई ये जो चीज़ें हैं वो इस स्टॉल में उपलब्ध हो सके। मैं मंडी शहर की जनता से ये निवेदन करता हूँ, सभी लोग आते हैं और यहाँ पे जो आनंद लेते हैं वो पुनः आए और जो 6-7 प्रकार की यहाँ पे दीपावली लोहड़ी के लिए ये बनाई हुई हैं चीज़ें स्वादिष्ट, उसका आनंद लें और अपने त्यौहार को सौहार्दपूर्ण तरीके से बनाएं।